नमस्कार। प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हलचल सालेहा और अरिंदम के साथ। सभी को समझना होगा कि हिंसा के साथ विकास संभव नहीं है। अगर परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार ऊपर नहीं आ सकता। वही बात लागू होती है गाँव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां शांति और अहिंसा विभाग बनाया गया है। इसके जरिए समानता, सद्भाव, सामाजिक एकता और अहिंसा के विचारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आधुनिक भारत के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जिला शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान के हर जिले में 33 जगह ऑफिस खुल गया है। बताइए आपको यहाँ 33 जिले में एक साथ ऑफिस खोलना बहुत बड़ी बात है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, कमाल कर दिया आप लोग। गांधी म्यूजियम की बात हो या गांधी जी के नाम से जो हम बना रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसकी तरह संस्था खड़ी कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी हो, या शांति व अहिंसा विभाग के ट्रेनिंग कैंप लगते हैं उसमें जाने की बात हो, मेरे ख्याल से जिस प्रकार का माहौल बना है पूरे राजस्थान के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के नौजवानों को एक नई प्रेरणा देगा। जो लगातार वर्कशॉप हुए हैं, कैंप लगे हैं लगातार, और सेंट्रल पार्क में मैंने कहा म्यूजियम बन रहा है, ये तमाम नवाचार मेरे ख्याल राजस्थान में हुए हैं और कहीं नहीं हुए हैं। 2500 पंचायत और वार्ड में बनने वाले महात्मा गांधी लाइब्रेरी और संविधान केंद्र युवाओं को ज्ञान देकर सही राह पर चलाने में मदद करेगा, ये हमारी बजट घोषणा भी है। समूचा देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी गरीब गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए हम देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है, और किस तरह का विज्ञान हो, किस तरह की टेक्नोलॉजी हो जो भारत के गरीबों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है। हम देखें कि बिजली, पानी, दूसरी नई नई तरकीबें किसानों तक, मजदूरों तक पहुँचें, जिसमें वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें, जिसमें भारत को और मजबूत कर सकें। भारत तब आगे बढ़ेगा जब भारत का देहात आगे बढ़ेगा। आज ही के दिन तमिलनाडु के चेन्नई के श्री पेरम्बदूर गांव में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या हो गई थी। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। आज का दिन आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी उन्हें नमन किया है और ग्राम स्वराज के प्रणेता, सूचना क्रांति के जनक, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वैश्विक शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए उनके बलिदान का देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जयपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज जो ऐसा मौका है आतंक विरोधी दिवस, जिस प्रकार से राजीव जी की हत्या हुई आज भी देश भुला नहीं है। 40 साल के नौजवान प्रधानमंत्री बने, तमाम वो फैसले के जो इतिहास में दर्ज होंगे, और जिस प्रकार हत्या की गई, आप सोच सकते हो इतनी बड़ी शहादत दी देश के लिए उन्होंने, जिस प्रकार इंदिरा जी ने दी थी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी, उनका सीना छलनी हो गया। आज ही हम कहना चाहेंगे नौजवानों को भी, जिसके लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल के आयु को मतदान का अधिकार उन्होंने दिया था, 18 साल के नौजवान को देश की तकदीर का फैसला करने का अधिकार है, उन्होंने फुट डाउन किया और अधिकार दिया। आज इसलिए देश के युवाओं के अंदर आक्रोश नहीं है, आक्रोश इस बात का महंगाई है, बेरोजगारी है, और देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये हमारी सोच है और ये संकल्प सबका है। ये सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये राजीव गांधी की देन है देश को। इस मौके पर प्रदेश भर में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुए, रक्तदान शिविर और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर में बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे भी बांधे गए। वहीं झुंझुनू में खेमी शक्ति मंदिर में पंचायत राज संगठन के 2 दिन के सर्वोदय संकल्प शिविर की शुरुआत हुई। हनुमानगढ़ में गौशालाओं में चारा वितरण हुआ। कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई स्थानों पर आतंकवाद के विरोध में शपथ कार्यक्रम हुए। इनमें NSS, NCC, स्काउट गाइड और नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों सहित कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागौर में भी हुए सम्मेलन में राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए देश में अमन चैन और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया गया। शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को। प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे, हर
तुम काली रात हो, रोशनी की बात हो। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर जिले के गाजीपुर में कई विकास कार्यों की शुरुआत की। इनमें हाजीपुर से धामला का बास तक डामर की सड़क, स्कूलों में नए कमरों का निर्माण और कुछ सड़कों का लोकार्पण शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी है और उनका लाभ अब आम लोगों को मिलने लगा है। उधर जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बांसवाड़ा में समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें पानी, बिजली, RUIDP और खाद की उपलब्धता संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। TAD मंत्री ने अधिकारियों से काम में तेजी लाने की बात कही। झालावाड़ और कोटा जिलों में स्थित महत्वाकांक्षी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आने वाले गांवों को दूसरे स्थानों पर बसाने के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनसे इस क्षेत्र में आ रहे गांवों का पुनर्वास किया जाएगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में दोनों जिलों के 14 गांव शामिल हैं, जिन्हें दोबारा बसाया जाएगा। इस क्षेत्र में 1664 लोग निवास करते हैं। करीब 760 वर्ग किलोमीटर में फैला है टाइगर रिजर्व। 14 गांवों में से 3 गांवों को विस्थापित किया जा चुका है और बाकी की प्रक्रिया जारी है। कोटा में नगर निगम दक्षिण अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत सावरकर नगर और सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाकर दुकानदारों को पाबंद किया गया। कई इलाकों में सड़क किनारे लगे ठेले हटवाकर यातायात व्यवस्था सुगम की गई। उधर RUIDP चला रहा है जोधपुर जिले में जन जागरूकता अभियान। इसमें बासनी तंबोलिया में महिलाओं को सीवरेज प्रणाली के सही उपयोग और रखरखाव के बारे में बताया गया। उन्हें हेल्पलाइन नंबर्स की भी जानकारी दी गई, जिसके जरिए सलाह और शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। श्रीगंगानगर जिले के अमरापुरा में मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत ग्रामीणों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। एक दिन के इस शिविर में सूरतगढ़ के पशु विज्ञान केंद्र के प्रभारी ने कहा कि गर्मी में उचित प्रबंधन नहीं होने से पशुओं में बीमारी और उत्पादन में कमी होने लगती है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। इससे बचने के लिए पशुओं की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिविर में पशुपालकों को अजोला घास भी वितरित की गई। आज बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, करौली सहित कई और जगह भी तेज गर्मी और लू का असर रहा। कल से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिससे एक टर्फ लाइन बनने जा रही है। वहीं इसके असर से राजस्थान के आधे हिस्सों में थंडर स्ट्रॉम गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसे बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मौसम बदल सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अब जिक्र महंगाई राहत कैंपों का। प्रदेश में तपती गर्मी के बीच भी महंगाई राहत कैंपों के लाभान्वित परिवारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई से राहत की गारंटी दे रहे इन कैंपों में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की गारंटी पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। प्रदेश भर में चल रहे महंगाई राहत शिविरों से लाभार्थियों के चेहरे खिल रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद भी करोड़ों लोग शिविरों में पहुंच रहे हैं। अब तक प्रदेश भर में 1,14,00,000 से ज्यादा परिवार महंगाई राहत कैंपों में पंजीकृत हो चुके हैं और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा तो 5,22,00,000 के भी पार हो चुका है। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति पिंडावा की रहने वाली अमरी बाई को 7 योजनाओं का लाभ मिला। वहीं छीतर लाल के परिवार को 9 योजनाओं का फायदा मिला। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसी योजनाएं उनके परिवार के लिए राहत का काम करेंगी। शोभाला के रहने वाले अंचला राम जाखड़ को 6 योजनाओं का फायदा मिला। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सभी लाभार्थी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और सूबे के मुखिया को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं अनिल कुमार, मैंने आज महंगाई राहत कैंप में भाग लिया, जिसमें मुझे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, अन्नपूर्णा पैकेट योजना और मनरेगा योजना और ये फ्री सब्सिडी योजना और फ्री बिजली योजना का लाभ मिला। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आशा माँ भीमराडे का रहने वाला है, मांगी देवी मेरा नाम है और कैंप में मैंने के 8 योजना फ्री करी है साहब, मुख्यमंत्री को धन्यवाद। सुजस आवाज राजस्थान से मेधा। नमस्कार।